बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा होता है क्लाइमेट। कल तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, मेरा बालकनी मुझे मेकओवर करना है अभी, किया नहीं है, अभी ऐसे ही रख दिया है, ऐसे रख दिया। एक प्लांट लाया हुआ है मैंने, अभी इसे मुझे लगाना है, ऐसे और प्लांट्स लाए हैं, लाना है, लेकिन ये लाया हुआ है, यहाँ यहाँ पे इसे रखा है, इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है मुझे। शीरा बना लो, इनको भूख लगी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे, यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम शालिनी है और मैं पेरिस में रहती हूँ, और आजकल आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत प्यार दे रहे हो, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, और बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के। ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब बहुत ही स्लो करते हो आप, अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का एक बटन आता है, वो भी फ्री है, कर दीजिए। और लाइक भी करिए, देख तो रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, उससे मुझे मोटिवेशन फील होता है। निकल गया है जूड़ा, अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है इसके लिए और अच्छा लग रहा है। भैया ये हमारा घर था, और देखो मैं इधर पहले हमारा पुराना नहीं, मम्मी देखो। भैया दिखाओ दिखाओ अपनी स्पीड दिखाओ। ओ ये रहा, मैं इसे मिस करती हूँ। बहुत जल्द मेरे इस वाले घर का होम टूर आने वाला है, सो क्या आप एक्साइटेड हैं? फर्स्ट फ्लोर पे, अच्छा बहुत बहुत अच्छी स्पीड थी आपकी शोना। अभी निकले हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके, मॉर्निंग में मैंने शीरा बनाया था, आई डोंट नो सनलाइट है तो कैसा आ रहा होगा। और ब्रेकफास्ट करके अभी निकली हूँ, थोड़ा कुछ कुछ सामान लेना है, फिर ग्रॉसरी भी थोड़ी बाय करनी है, तो जाऊँगी यहाँ से इंडियन स्ट्रीट, पहले आइकिया जाना है, वहाँ देखती हूँ मुझे बॉक्सेस वगैरह चाहिए प्रियांश का टॉय वगैरह रखने के लिए, तो वो बाय करना है, और भी कुछ स्टफ़ है। फिर उसके बाद वहाँ से गॉडू नॉट जाऊँगी इंडियन स्ट्रीट। बहुत दिन बाद मैं ट्राम से ट्रैवलिंग करूँगी। ये मम्मी पेरिस में है, ये बहुत बड़ा एड्रेस है। सामने दिख रहा है वहाँ, वो बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ से अभी हम आइकिया जा रहे हैं, आइकिया जाना है इसके लिए, और एक्चुअल में वॉक करना पड़ रहा है क्योंकि बीच में कुछ स्टेशंस बंद थे मेट्रो के, सो उसकी वजह से ट्रबल हो गया है, वरना वॉकेबल ही था, लेकिन बंद थे, तीन स्टॉप बंद थे। सो तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आपको देखने मिलेंगे, लुई विटों हो गया, गुची हो गया, और भी बहुत सारे, मुझे समथिंग है, बहुत सारा है। सो ये काफ़ी रिच एरिया है पेरिस का। आपका हाँ ओके, हस्बैंड का ये ऑफिस है। हाँ ओके, ये क्या है, एग्लिस है क्या ये सामने? हाँ ऊपर क्रॉस का निशान भी है, काफ़ी पुराना लग रहा है। और का शॉप
शॉप काफ़ी बड़ा लग रहा है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ। पेरिस के बाहर भी एक है बाकी मैं गई हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं बाय करने के लिए, स्कूल वगैरह भी तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। दिख रहा है चार चार का सेट है, 9 यूरो, 10 यूरो, 12 यूरो, 7 यूरो। लेकिन इसका हैंडल अच्छा है और ये कुछ 1-1 यूरो का है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर थी, जैसे कि ये मैट का सेक्शन जो था पूरा सब बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी प्राइसिंग निकाला था तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था अदर प्लेस पर। अभी मुझे इंडियन स्ट्रीट जाना है इसके लिए मैंने बाय नहीं किया। मैं स्पेशली आऊँगी, कुछ कुछ चीज़ें मुझे बाय करनी है सो मैं आके लेके जाऊँगी। काफ़ी अच्छा प्राइसिंग बहुत अच्छा है यहाँ का और क्वालिटी भी अच्छा है। और अभी मुझे मंदिर आना था, मैंने माना था कि रियांश की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि कभी भी कुछ ऐसा होता है ना सबसे पहले आंखों के आगे भगवान ही आते हैं और बस उनसे प्रार्थनाएं चलती रहती है और बच्चे को लेकर तो ज़्यादा ही होता है। सो एक्चुअली में लास्ट 2 वीक से मैं जा नहीं पा रही थी, मुझे सबके साथ जाना था, रियांश और हस्बैंड के साथ, इसके लिए थोड़ा 2 वीक से डिले हो रहा था। बट फाइनली मैं आ गई, थोड़ा हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया, रियांश भी आराम से बैठा। अब वो बड़ा हो रहा है तो वो समझ रहा है चीज़ों को, वो मतलब अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनका थोड़ा चीज़ें अलग हो रही है, पहले अलग था। अब वो प्रॉपर गया, बैठा, माथा टेका, पूजा किया, बहुत अच्छे से सब हो गया। जोरों की भूख लगी है, ऑर्डर करेंगे। ओह, ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेन्यू डिसाइड करना। ऑर्डर तो मैं कर लूँगी लेकिन डिसाइड करना मतलब हमेशा ही मेरा पचका होता है जब भी मैं खुद से ऑर्डर करती हूँ, और हस्बैंड तो फटाक से वो अपना डिसाइड कर लेते हैं, और मुझे हमेशा उनकी ही डिश पसंद आती है। मतलब पता नहीं क्या स्यापा है मेरे साथ, हमेशा ही ऐसा पचका होता है मेरे साथ। क्या आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है? अगर होता है तो कमेंट करके बताइएगा। इसलिए मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि मुझे पता है जो हस्बैंड मंगाएंगे वो मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। 1 मैंगो लस्सी, 1 नॉर्थ इंडियन थाली, डू यू हैव पनीर फ्राइड राइस विथ ग्रेवी और ओनली राइस? पनीर फ्राइड राइस इज लाइक जस्ट नॉर्मल इंडियन ब्लैक फ्राइड राइस विदाउट ग्रेवी। विदाउट ग्रेवी, ग्रेवी यू हैव टू लाइक ऑर्डर इट सेपरेटली। ओके, गिव 2 पूरी, 2 पूरी, या 2 पीस, सो 1 या 1 एंड 1 पनीर चिली ड्राई। ओके, पनीर, यस। And you want pani fried rice as well? और ये रहा पनीर चिल्ली ड्राई और मेरा पनीर फ्राइड राइस। ठीक ठाक था, बहुत वाव नहीं था और बैड भी नहीं था। इंडिया जैसे तो नहीं हो सकता है, स्पेशली मुंबई में तो फ्राइड राइस वगैरह बहुत औसम मिलता है, बट ओके ओके था। हाँ।
तुम अभी लाइक रुक जाओ मैं पिलाती हूँ दो इधर दो इधर मैं स्टोर आ गया संभाल कर दिया अभी ये वाले शॉप पे गई थी अभी ये वाली स्ट्रीट पे हूँ यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और आगे एक और कैश एंड कैरी है जो मैं ये एरिया थोड़ा डर लगता है ऐसे आगे पुलिस आ रही है मुझे लगता नहीं मुझे डरने की ज़रूरत पड़ेगी और एक इधर भी खुला हुआ है देख रहे हैं दिखाती हूँ उसे इसको मैंने थोड़ा कुछ कुछ बाय किया है और क्रैक जैक चाहिए बट बड़ा पैकेट है ही नहीं इधर एक भी मसाला है क्या मैं नहीं दूंगी आपको थक गई बहुत सारा सामान सब मैंने अच्छे से रख दिया बहुत टायरिंग डे था व्हाट हैपेंड दोनों क्या चाहिए मैं नहीं दूंगी आपको स्केच पेन और कुछ भी नहीं आप अच्छे से नहीं रखते हो मैं नहीं दूंगी रोने को आ रहे हैं आपको जाओ पहले आप रो लो थोड़ा सा अगर मुझे एक बार भी दिखा कि आप अच्छे से नहीं रख रहे हो फिर देखना मैं दोबारा कभी कुछ नहीं दूंगी हमेशा ही ऐसे कोई भी चीज़ अपनी अच्छे से नहीं रखेगा सब तोड़ फोड़ के सब बराबर हो जाएगा ये तो ऐसे ही चलता ही रहेगा ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग मेरा वीकेंड कभी कभी ऐसे ही जाता है मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep supporting. Bye bye guys.